बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गुसाईगंज थाना क्षेत्र में विगत दिन एक 17 वर्षीय किशोरी हत्याकांड का पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किया और भेजा सलाखों के पीछे। बता दें कि विगत 18 नवंबर को गुसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटवाड़ा में नहर की पटरी किनारे एक 17 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी होते ही पहुंची स्थानीय पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त कर मृतका के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर DCP साउथ क्राइम टीम, सर्विलांस टीम सहित गोसाईगंज थाना पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 24 घंटे के भीतर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी की हत्या उसके पिता के दोस्त सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के यशोदा मार्केट कटरा बक्कास निवासी मोहम्मद अजीज पुत्र मोहम्मद आलम ने गमछा से गला घोट कर की थी। वह मृतक के पिता के साथ जानवरों को खरीदने बेचने का काम करता था। हत्यारोपी अपने दोस्त की 17 वर्षीय बेटी से प्रेम करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था, जबकि वह खुद शादीशुदा था। वह अपने दोस्त की बेटी को गांव के पास नहर की पटरी पर बुलाया और उसे लेकर मुंबई जाने के फिराक में था, किंतु किशोरी ने उसे शादी करने एवं मुंबई जाने से मना कर दिया। किशोरी द्वारा मुंबई जाने से मना करने पर मोहम्मद अजीज ने अपने गमछे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फरार हो गया, किंतु वह कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सका। हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार करते हुए हत्या के मुकदमे में पॉक्सो एक्ट के बढ़ोतरी उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। सर, नाबालिग लड़की जो हत्या हुई थी, सर उसका खुलासा आज हो रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। थाना क्षेत्र गोसाईगंज में 18 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि भटवारा गांव के पास जो एक नहर है, वहां पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल है, उसकी डेड बॉडी मिली है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस की टीम वहां पर मौके पर गई, मेरे द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। शव की तुरंत शिनाख्त हो गई थी और परिजनों के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में आरोप पंजीकृत किया गया हत्याकांड। इसमें तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया। इसमें टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलांस के माध्यम से जो अभियुक्त है उसकी पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त का नाम अजीज है। यह व्यक्ति जो मृतका है उसके पिता का दोस्त था, उसके साथ जो व्यवसाय उसका पशुओं की खरीद फरोख्त वो करता था उसमें साझेदार भी था। उसका घर पे लगातार आना जाना रहता था। घर पे आने जाने के दौरान उसकी जो जान पहचान थी, नज़दीकियाँ थी, वो मृतका के साथ बढ़ गई थी और वो उसको अपने साथ मुंबई ले जाने के लिए दबाव बनाने लगा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो, पर लड़की के द्वारा मना किया गया मुंबई जाने से। तो जो अभियुक्त है इसको ऐसा लग रहा था कि ये किसी और व्यक्ति के प्रभाव में ये मेरे साथ जाने से मना कर रही है। उसके मन में ये था कि ये जो मृतका है वो संभवतः किसी और व्यक्ति से भी बातचीत करती है। इसी वजह से उसने घटना वाले दिन इसको नहर पे बुलाया, लेकर गया और जब उसने एक बार फिर से मुंबई जाने की बात कही कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो, जब लड़की ने मना कर दिया तो लड़की के ही दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि गला दबा कर हत्या की गई है। इसमें सभी जो हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनका संकलन किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो है जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंसेज हैं उनका भी संकलन किया गया है और इसमें बहुत ही कम समय में चार्जशीट लगाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। सर, हत्या का जो समय था वो सर क्या था अभियुक्त के हिसाब से? देखिए, अभियुक्त के हिसाब से जहाँ जो सुबह हमारी बॉडी मिली है उसी रात जो है अभियुक्त के द्वारा हत्या कार्य की गई। कितने सालों से सर इन दोनों में दोस्ती थी? देखिए, ये कितने सालों तो नहीं, मतलब कुछ समय से, कुछ महीनों से दोस्ती थी, मतलब घर पे तो आना जाना था। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको यही बता दूं कि इसमें जो है पॉक्सो धारा की भी वृद्धि की जाएगी, जो उसके एज का है वो भी इसमें केस डायरी में लगाया जाएगा। और जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की थी, 18 साल से कम का जो है वो कंसेंट वैलिड नहीं होता है, तो इसलिए ये कहना कि दोस्ती थी, मतलब वो इसकी तरफ से, अभियुक्त की तरफ से वो अपने बयान में इस तरीके का कह रहा है, लेकिन लीगली देखा जाए तो उसमें कंसेंट बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी आगे कार्रवाई की।